हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, सुबह का भी 8 बज रहा है। मैं दूध ले आई, नहा धो करके मैं रेडी हो चुकी हूँ गाइस, फ्रेश हो गई हूँ और मैं चलती हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। ठंड तो बहुत है गाइस, रोज रोज तो ठंड बढ़ ही रहा है। ठंड का क्या कहना, अपने चरण में है ठंड। ठंडा कह रहा है कि मैं ठंडा हूँ। मौसम फिर भी आज साफ़ है गाइस, कल खाना तो बिल्कुल ही धूप नहीं निकला था। आज मौसम थोड़ा अच्छा लग रहा है, हवा भी नहीं चल रहा है गाइस। मैं बालकोनी में आ गई हूँ, देखिए गाइस आज धूप निकला हुआ है, कल तो बिल्कुल ही धूप नहीं था। दिन भर को भेसा करके रखा, आज थोड़ा सूर्य भगवान दिखाई दे रहे हैं गाइस। नमन करते हैं सूर्य भगवान को, बहुत कृपा है कि वो सूर्य भगवान प्रकट हुए हैं। मैं भी थोड़ा धूप में खड़ी हूँ गाइस, ठंडा लग रहा है, नहाए हैं तो ठंड लग रही है, ऑब्वियसली ठंडा लगना ही है। गर्म पानी से तो नहाया नहीं मैंने, ठंडा पानी से नहाया क्योंकि आदत हो चुका है ठंडा पानी से नहाने का। ठंड तो लगता है लेकिन मज़ा लगता है ठंडा ठंडा पानी में नहाना चाहिए। चले गाइस, अब घर चलते हैं रूम के अंदर क्योंकि मुझे नाश्ता भी बनाना है। मैं जब सुबह दूध लेने के लिए जा रही थी गाइस 5 बजे, तो मैंने आटा लगा के गूंद रखी थी। आज बनाना है गाइस मेथी परोठा, बच्चों सबको बहुत पसंद है। आज खेल कूद है स्कूल में, इसलिए बच्चे स्कूल आज नहीं गए, तो मुझे भी आसान हो जाएगा नाश्ता बनाने में। देखिए गाइस, ये मैं दूध ला के रख दी हूँ डब्बा में, दूध अभी गर्म भी नहीं हुआ। अब चलते हैं गाइस किचन की ओर। किचन आ गए फ्रेंड्स, देखिए ये आटा मैं सुबह लगा करके मैं रख दी थी। जितना आटा थोड़ा फूलता है तो परोठा और अच्छा होता है। मेथी इसमें डाले, इसमें गरम मसाला डाली हूँ, अजवाइन, हल्दी, नमक ये सब डाले, मैं इसे गूँथ ली हूँ। अब इसे हम परोठा बनाएंगे गाइस, चलिए हम बनाते हैं। इधर हम दही भी जमा लिए गाइस, देखते हैं दही के क्या हाल चाल है। जम गई, देखिए गाइस इसे मैं रख दे रही हूँ, नहीं जमा फ्रेंड्स दही मेरा। अच्छा कोई बात नहीं है, इसे मैं जमा लूँगी, थोड़ा सा हल्का गर्म करेंगे जम जाएगा गाइस। इसे फिर से ढक दे रही हूँ, ये जम जाएगा देखिएगा, इसका हल्का गर्म करना है गाइस। बर्तन वर्तन तो साफ सफाई हो गया हमारा, और ये डब्बा में हमेशा पानी भर के रखती हूँ कि पानी कब चला जाएगा कोई भरोसा नहीं है गाइस। हम फ्रिज खोल लेते हैं, फ्रिज में मैं ये तेल रखी हूँ, तेल में छानी थी एक दिन पकौड़ी तो सोचे बच गया, तो इसे फ्रिज में रख ली। बाहर में गिरने का डर रहता गाइस, तो फ्रिज में बंद कर दे रही हूँ। और ठंडा तेल रहने से मोयम के काम बहुत अच्छा आता है गाइस। ये तेल मैं यहाँ रख दे रही हूँ, इसी तेल से मैं रिफाइन है फ्रेंड्स ये पराठा बनेगा गाइस। ये हमारा लोई में डो का जो है छोटा छोटा गुलैया बना करके रेडी हो चुका फ्रेंड्स। और ये मैं सूखी आटा भी डाल दी हूँ, अब इसका मैं बेलूँगी गाइस। अभी मैं चढ़ा दी हूँ, गर्म हो रहा है, देखिए धुआं उठ रहा है। और गाइस इस पर हम आटा, सूखा आटा बुलबुला देंगे। अब इस पर हम एक ये लोई लेकर के, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमें इसे दबाना है गाइस। और ये मैं इसे बेलूंगी, बेलने के बाद तेल डालेंगे फ्रेंड्स इसमें। ये बेला चुका है गाइस, अब इसमें हम ये तेल डालेंगे गाइस, ये रिफाइन यहाँ हम रखे हैं जो, अब इसमें ये आटा पर मैं डाल दूँगी, तेल में डाल दी हूँ। अब इसे हाथों से इसे फैला करके फिर उसे इस तरह से दबाएंगे, फिर इसे मोड़ने के बाद फिर एक बार हम इस तरह से मोड़ेंगे गाइस, फिर ये पलट पलट करके फिर इसे हमें बेल लेना है। थोड़ा सा सूखी आटा के सहारा, सूखा आटा देंगे फ्रेंड्स, फिर इसको बुलबुलाएंगे।
इससे बेलने में आसानी होता है। गैस इस तरह से मुझे बेल लेना है। फ्रेंड्स ठंड बहुत लग रही है, सुबह सुबह पूरा दांत कट 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 हो रहा है, लेकिन नाश्ता बनाना है गैस, तो फिर बैठेंगे बालकनी में धूप में। ये इसे मैं बेल ली, फिर इसे मैं इसे उठा करके तवा पर डालना गैस। देखिए ये तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं डाल दिया। इसे सूखे आटा फिर से लेंगे, अब फिर ये लोई हम यहाँ से लेंगे गैस। इसे भी उसी प्रोसेस से हम इसे बेलेंगे गैस। अरे भाग रहा है, ये तेल से फिसल रहा है। ये बेल आ गया फ्रेंड्स, फिर इसमें हम तेल देंगे। इसमें इसी तरह से फिर बेलना हटा के इसे फैला लेंगे, फिर इसे फोल्ड करेंगे गाइस, चपाती की तरह मोड़ देना है। उधर भी देखना है कि ये हुआ कि नहीं हुआ। अभी ये एक साइड से पलटने का टाइम आ गया, गैस तेज कर दी हूँ। अब इधर हम सूखे आटा से हम बेल ले रहे हैं गैस। गैस एक और भी मेरा बेल आ गया है फ्रेंड्स, ये भी मेरा हो चुका है। अब उधर देखते हैं कि वो हुआ कि नहीं हुआ। ये बेल आ गया गाइस, ये अब इसमें तेल डालेंगे। ये पक चुका है, ये देखिए हमारा रिफाइंड, ये चम्मच से लूंगी रिफाइंड और इसमें मैं डालूंगी। ये नहीं उड़ता है फ्रेंड्स, इसमें डरने की कोई जरूरी नहीं है। इसे धीरे से हम इसे पलटेंगे तो ये नहीं उड़ता है। देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा पराठा बन के रेडी हो चुका। और फिर एक बार इसे गाइस, ये हमारा हो चुका पराठा, अब इसे हम इसे निकाल दिए फ्रेंड्स। अब इस तरह से फिर इसे भी मैं उस पर डाल दूंगी गाइस। ये इसी तरह मुझे सारे पराठा बना लेना है, फिर हमें खाना है गाइस। ये हमारा हो चुका है, इधर तवा भी गर्म हो गया है, इसे डाल दूँ गाइस। ये हमारा पराठा बन के रेडी हो चुका है। देखिए सारे पराठा मेरा रेडी हो चुका है, गरम गरम इसे हम चाय के साथ खाएंगे या तो दही के साथ। आप भी खाइए फ्रेंड्स मेथी के पराठे। गाइस ये मेथी का पराठा बना और मेरा छोटा वाला बाबू नाखुश है फ्रेंड्स, वो बोल रहा है मैं नहीं खाऊंगा, उसे ये पराठा पसंद नहीं है, बिकॉज ये बहुत हेल्दी और टेस्टी पराठे बनाए गाइस। गाइस देखिए हमारा दही समय नहीं जमा था, मैंने हल्का गर्म कर दिया। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे हिलाने से पता चलेगा कि जमा के नहीं। देखिए फ्रेंड्स जम किया ना, और मैं इसे, ये हमारा दूध भी गर्म हो रहा है। देखिए मैं काट के दिखा रही हूँ, ये देखिए एक घंटा मैं छोड़ दी हूँ, दही जम गया, थोड़ा सा पानी छोड़ा, कोई बात नहीं हम खाते हैं। गाइस हमारा दही ये पराठा नाश्ता का लग चुका है, आप भी खाइए गाइस मेथी पराठा और दही।